नमस्कार, मैं अश्वानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रक्षाबंधन पर गुलजार हुआ बाजार। सूखे के बीच क्या किसानों को राहत देने के बारे में सोच रही है नीतीश सरकार। 15 अगस्त के बाद हो सकती है कैबिनेट की विस्तार। जगदीप धनखड़ बने स्वतंत्र भारत के 14वें उपराष्ट्रपति। जयवर्धन ने बताया कौन होंगे रोहित के ओपनिंग पार्टनर। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रक्षाबंधन पर गुलजार हुआ बाजार। बिहार में कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, इस कारण आज पटना के बाजार में रौनक बढ़ी है। शहर में रंग बिरंगी और आकर्षक राखियों से बाजार सजी है। बाजार में आकर्षक राखियों की मांग सबसे अधिक है, खासकर दिल्ली और कोलकाता की बनी राखियों की मांग ज्यादा है। महंगाई के बावजूद बाजार में स्टोन, जरकन और मेटल की राखी कलावा के साथ रुद्राक्ष के अलावा कई तरह की फैंसी राखी की मांग अधिक है। हालांकि लोगों में रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर संशय बना हुआ था कि 11 अगस्त को है या 12 अगस्त को। आपको बताते चले कि सनातन परंपरा के अनुसार बिहार में रक्षाबंधन 12 अगस्त को मनाया जा रहा है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 7:16 तक है। सुशील मोदी द्वारा लगाए गए आरोप को नीतीश कुमार ने बताया फर्जी। भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ने का एक और भी वजह सामने आई है, जब सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे लेकिन एनडीए की सहमति इस पर नहीं बनी, इसलिए नीतीश कुमार ने तेजस्वी से हाथ मिलाया। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष एकजुट होकर आगे बढ़ेगा। उन्होंने बीजेपी के आरोपों पर कहा कि वह कभी उपराष्ट्रपति नहीं बनना चाहते थे। बिना बीजेपी के नाम लिए नीतीश ने कहा कि जिसको बोलना है बोलने दीजिए, आपने एक आदमी कहने का मतलब सुशील कुमार मोदी यह कहते सुना कि मैं उपराष्ट्रपति बनना चाहता था, क्या मजाक है या फर्जी है? मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। क्या वे भूल गए हैं कि हमारी पार्टी ने हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितना समर्थन किया था? सूखे के बीच क्या किसानों को राहत देने के बारे में सोच रही है नीतीश सरकार। बिहार अभी दो धारी तलवार पर है, कहीं बाढ़ की स्थिति तो कहीं सूखे का प्रकोप है। बिहार के उत्तरी भाग के जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से गांवों तक पानी पहुंच गया है। वहीं दक्षिणी बिहार के जिलों में सूखे जैसे स्थिति बनी हुई है, जिसका सबसे अधिक असर किसानों पर पड़ा है। धान की फसल बर्बाद हो रही है। इस बीच आपदा प्रबंधन समूह शुक्रवार यानी कल बैठक करेगी। किसानों को डीजल अनुदान और 16 घंटे बिजली के अलावा तत्काल मदद के तौर पर कुछ और सुविधाओं का ऐलान किया जा सकता है। इससे सूखे की वजह से जिन किसानों की धान समेत खरीफ की फसल प्रभावित हुई है उन्हें लाभ मिल सकता है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बोले कांग्रेस नेता। इधर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव द्वारा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद का शपथ लेने के बाद अब महागठबंधन के नेताओं के बीच विभागों के बंटवारे होने हैं। इस बीच कांग्रेस नेता का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता और अजीत शर्मा ने नए मंत्रिमंडल को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक मीडिया चैनल से हुई बातचीत में उन्होंने कहा है कि बिहार मंत्रिमंडल में कांग्रेस को कितने पद दिए जाएंगे इसको लेकर हमारी कोई मांग नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल बिहार का विकास करना है। हालांकि आखिरी फैसला राहुल गांधी और सोनिया गांधी का होगा। उन्होंने आगे कहा कि मंत्रिमंडल में गृह मंत्रालय महत्वपूर्ण है, लेकिन यह किसको मिलेगा यह आज शाम तक फाइनल हो जाएगा। नीतीश कुमार को पीएम बनने की बौखलाहट है। तारकिशोर प्रसाद ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश ने जनादेश के अपमान किया है, इसके खिलाफ हम सड़क पर उतरेंगे। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जब जब नीतीश कुमार के मन में प्रधानमंत्री बनने का ख्याल आता है तब तब वे इस तरह की बातें करते हैं। उनकी पीएम बनने की बौखलाहट उन्हें समय समय पर जनादेश के प्रति विश्वासघात करने का मौका देती है। उन्होंने कहा कि ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने जदयू के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए हैं, जो झूठ है। सच ये है कि जदयू ने बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ अपने कैंडिडेट खड़े किए थे। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए उन्होंने जैसे आत्मसमर्पण किया, भविष्य में जनता इनके साथ पलटी मारेगी। 15 अगस्त के बाद हो सकती है कैबिनेट की विस्तार। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिया है। अब सभी को इंतजार है कैबिनेट के विस्तार का कि आखिरकार किसको कौन सा मंत्रालय सौंपा जाएगा। इस बीच खबर ये आ रही है कि नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण 15 अगस्त के बाद हो सकता है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है। हालांकि इसकी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। बिहार विधानसभा का विशेष सत्र 24 और 25 अगस्त को बुलाने पर फैसला लिया गया है। वहीं 25 तारीख को विधानसभा स्पीकर का चुनाव होगा। महाराष्ट्र से आया बयान, नीतीश कुमार ने गलत पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। पिछले कुछ दिनों से देश भर की निगाहें बिहार के सियासी गलियारों पर टिकी हुई है। नीतीश कुमार के बतौर बिहार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद शिवसेना के विद्रोही खेमे के नेता दीपक कासरकर ने दावा किया है कि नया गठबंधन सिर्फ एक फेज है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक चरण है, मेरा मतलब नीतीश कुमार की आलोचना करने का नहीं। वह एक वरिष्ठ राजनेता है जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की अच्छी सेवा की है, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने गलत पार्टी चुनी है तो वह अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकते हैं। यह अभूतपूर्व नहीं है।
बादलों ने बिहार वासियों को गर्मी से दी राहत। पिछले तीन दिनों से मौसम का मिजाज बदला बदला हुआ सा है। दक्षिण बिहार के जिले राजधानी पटना समेत नालंदा, नवादा, लखीसराय जिले की बात करें तो यहां पिछले कुछ दिनों से आसमान में काले बादल छाए हैं। हवाओं की चाल 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। बीते दिन में राजधानी पटना का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री गिरावट के साथ 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसके बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी बहुत राहत भी मिली है। वहीं आज गुरुवार की सुबह से राजधानी में धूप है, लेकिन उसमें अभी तल्खी नहीं महसूस हो रही है। बादलों और हवा के प्रभाव के कारण लोगों को सुकून मिल रहा है। तेजस्वी यादव ने बिहार वासियों का किया धन्यवाद। कुछ दिन पहले तक नेता प्रतिपक्ष कहलाने वाले तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने बीते दिन उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इसके साथ ही तेजस्वी के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने पर शुभकामना और बधाइयों का सिलसिला जारी है। इससे पहले आज सुबह तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए बिहार वासियों को धन्यवाद लिखा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि बिहार वासियों का धन्यवाद, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हर बिहारवासी की उम्मीदों पर खड़ा उतर सकूं। सभी समर्थकों से आग्रह है, जश्न मनाने के बजाय काम पर लग जाएं, गरीब गुरबा को गले लगाएं और ईमानदारी से उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें। आइए हम सब मिलकर बिहार को और अधिक बेहतर बनाएं। सुशील कुमार के नस नस से वाकिफ थे लालू यादव। सियासी गलियारों में गहमा गहमी शुरू है। इस दौरान राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने सुशील कुमार मोदी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अगर झूठ बोलने की प्रतियोगिता कराई जाए तो उसमें सुशील मोदी के आसपास भी कोई नहीं फटकेगा। पुराने लोगों को याद होगा कि विधानसभा में एक बार सर में झूठा बैंडेज बंधवाकर चले आए थे। सरकार लालू यादव की थी। आरोप लगाया कि पुलिस ने उनका सर तोड़ दिया है, लेकिन सुशील मोदी को नस नस जाने वाले लालू यादव ने तुरंत चुनौती दी। कहा कि पट्टी खोलिए और चोट दिखाइए, देखे तो कि कहां चोट लगी है। सुशील मोदी भेद खुलने के डर से पलायन कर गए। जगदीप धनखड़ बने स्वतंत्र भारत के 14वें उपराष्ट्रपति। भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज अपने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सादे समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेते ही जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। बता दें कि 6 अगस्त को हुए चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने कुल 725 मतों में से 528 मतों के साथ जीत हासिल की थी। वहीं विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अलवा को 182 वोट मिले, जबकि 15 मत अवैध करार दिए गए थे। क्या बिहार में नया राजनीतिक गठबंधन टिक पाएगा, इस पर बोले प्रशांत किशोर। क्या बिहार में नया राजनीतिक गठबंधन टिक पाएगा, इस सवाल पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि बिहार में राजनीतिक अस्थिरता के दौर के संदर्भ में अब क्या हो रहा है। 2013-14 के बाद में बिहार में सरकार बनाने की यह 6ठी कोशिश है। राजनीतिक अस्थिरता का यह दौर पिछले 10 सालों से चल रहा है और यह उसी दिशा में है। नीतीश कुमार मुख्य अभिनेता है। बिहार के नागरिक के रूप में आपके बल यह उम्मीद कर सकते हैं कि वह अब अपने द्वारा बनाए गए गठन पर दृढ़ रहे। जयवर्धने ने बताया कौन होंगे रोहित के ओपनिंग पार्टनर। एशिया कप 2022 की शुरुआत 27 अगस्त से होने जा रही है। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 28 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ मैच से करेगी। 28 अगस्त को दुबई में दोनों चीर प्रतिद्वंदी का सामना होगा। पाकिस्तान के बाद भारत ने भी इस टूर्नामेंट के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। जयवर्धने ने कहा कि भारत ने हमेशा अगली पीढ़ी के क्रिकेटरों को आगे लाया है, इसलिए ऋषभ पंत एशिया कप में रोहित के ओपनिंग पार्टनर के रूप में एक विकल्प हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंत के पास वो क्षमता है। महिला जयवर्धने ने कहा कि भारत हमेशा उस अगली पीढ़ी के क्रिकेटरों को लाने की कोशिश कर रहा है। जिम्बाब्वे दौरा उन लोगों के लिए वहां हिट करने का एक अच्छा मौका है, यह एक विकल्प है। भले ही उन्होंने घरेलू क्रिकेट में ज्यादा कुछ नहीं किया है, लेकिन उसके पास ऐसा करने की क्षमता है। देश भर में आए 20,000 से कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी गुरुवार को जारी किए गए कोरोना की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 16,299 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में मामूली कमी आई है, जिसके बाद राज्यभर में कुल 158 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 63 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 53,409 कोरोना सैंपल की जाँच की गई है, जहाँ 173 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। ललन सिंह ने किया खुलासा, किसके कहने पर नीतीश कुमार राजद से हुए थे अलग। एनडीए से बाहर निकलने के बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं। अब उन्होंने ये खुलासा किया है कि किसके कहने पर नीतीश कुमार 2017 में राजद से अलग हुए थे। ललन सिंह ने यह भी कहा कि 2017 में तेजस्वी यादव पर लगे भ्रष्टाचार के संगीन आरोप का कोई मतलब नहीं था, बल्कि कुछ नेताओं की सलाह की वजह से उन्होंने राजद का साथ छोड़ा। ललन सिंह ने मंच पर बैठे संजय झा की ओर इशारा करते
हुए कहा कि एक तो यही है, इसके अलावा एक नेता है हरिवंश जी। हरिवंश जी राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तीसरे शख्स का नाम इस तरह लिया कि एक बीजेपी के एजेंट हैं यानी RCP सिंह। चौथे शख्स के नाम का खुलासा नहीं किया लेकिन इतना कहा कि वे राष्ट्रपति के सलाहकार हो गए हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, मुन्ना कुमार, कलाम अंसारी, उमेश ऋषिदेव, ऋषिकेश कुमार, भानप्रकाश मौर्य, रामपति यादव, ऋषिकेश शाह, अनिल कुमार, श्रवण कुमार और उदयकांत यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि भाई बहन के पवित्र रक्षाबंधन के त्यौहार पर आप अपनी बहन को क्या उपहार देंगे? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़, और साथ ही YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।